रखोगे? ये बताओ भाई, तो थोड़ा तमीज सीख ले। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान करना। 4 लाख एक्स मुस्लिम बने, तुमने उस पर प्रोग्राम किया? मैं करता ही नहीं। मैं क्यों? ये जानो, ये येलो जर्नलिज्म है। आपने सुशांत पे वीडियो बनाएंगे? आपने सुशांत पे, भाई तो बता दो सुशांत है। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ भाई, आपको पता सुशांत ने क्या किया? आपको पता सुशांत ने, सुशांत और भाई ये सारे मुसलमान है, ये मुसलमान है। तुम अकेले मुसलमान नहीं हो, पता नहीं है सुशांत है कौन? येलो जर्नलिज्म बंद करो। बहुत बढ़िया, यूट्यूबर का नाटक है। अच्छा, ये ऐसे ही आएंगे हम पे? ठीक है, समझ गया। ये ऐसे ही आएंगे हम पे, बिस्ती करवा के जाएंगे। अरे यार चुप करो। इसी का नाम है जिसके बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। व्यूअरशिप लेने के गेम्स खेल रहे हैं। यस, व्यूअरशिप लेने के गेम्स खेल रहे हैं। 1947 में जिन्ना ने एक मुल्क लिया, उस मुल्क का नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था, हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसके लिए हमें एक अलग से मुल्क दे दो। तब हमारे गांधी जी ने, हमारे नेहरू जी ने जिन्ना के मुंह पे पाकिस्तान फेंक के मारा और काफी सनातनियों को, राष्ट्रवादियों के दिल को चीर चीर कर दिया, जिसका दर्द आज भी राष्ट्रवादियों और सनातनियों की हमारी धरती माता के इन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। खैर, उस वक्त की तकलीफों से हम धीरे धीरे उभरना शुरू हुए और जैसे जैसे ये पाकिस्तान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ये पाकिस्तान बर्बादी और कंगाली की तरफ जाता गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 75 साल आते आते हालात आज ये हो गए कि पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी आ चुकी है, ये किसी काम के नहीं रहे, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरे संसार में इनकी जहालता के चर्चे बड़े जोर शोर से गाए जाते हैं और आज पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट बन के रह गई है। हाँ भाई हाँ। और ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के मनोरंजन कराने के काम आती है, तो आज आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होने वाली है। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर पे कैसे अटैक कर रहा है, कैसे ड्रामे चल रहे हैं, और फुल मनोरंजन अगर आपका ना हो तो सारे पैसे वापस। और आज जिन्ना को अपनी जाहिल अवाम पे बहुत प्राउड होगा, बहुत नाज होगा कि किन जाहिलों को मैंने मुल्क बना के दे दिया। तो बिना देर किए चलते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। ये वो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होने पे वीडियो नहीं बनाते। एक मिनट बताओ ना, क्या है न्यूज़ तो बताओ। सुशांत है। उस दिन सुशांत ने आपसे सल्लम के बारे में ये कहा। सुशांत है कौन भैया, ये तो बता दो। आप क्रिकेट पे काम नहीं करती? मैंने क्रिकेट पे वीडियो नहीं बनाई, फुटबॉल पे बनाई है। मीडिया पे नहीं देखती? ओ भाई मैं पॉलिटिकल काम करती हूँ। ट्विटर पे अपनी वीडियो दिखाई है आपको? सुशांत का पता है? सुशांत का पता है? छोड़ दे छोड़ दे भाई, पब्लिक से तो पूछ रहा तुम आगे थावा कौन है मुझ पे। एक मिनट, ट्विटर देखती है? नहीं, मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। 2 दिन ट्विटर ट्रेंड में रहा भाई, मेरा ट्विटर अकाउंट ही देखो, शायला खान ट्विटर पे है ना इसने। अच्छा, अगर उसने एक मिनट अगर उसने गुस्ताखी की हो, अगर उसने गुस्ताखी की, आप वीडियो बनाएंगे? आज जो बनाते हैं आप वीडियो बनाएंगे? मैं इंटरव्यू दूंगा आपको, वो वीडियो अपलोड होगी। सुशांत को पता है जिसने गुस्ताखी की? इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। मैं आपको सब कुछ मैं बनाऊंगी। हां हां इंडिया का, हां पता चल गया। इनकी वीडियो की बात है, ये जो आपका वे है ना, ये गलत है। अगर आप गलत करें मुझे बताओ, उससे किया क्या है? बताओ टॉपिक तो बताओ, आगे लड़ने ऐसा ये येलो जर्नलिज्म बंद करो, येलो जर्नलिज्म बंद करो। भाई तो बात बता के सुशांत ने ये किया, आपने सुशांत पे वीडियो बनाएंगे? आपने सुशांत पे, भाई तो बता दो सुशांत है। बताओ इसको, बताओ क्या सुशांत है? मेरे कैमरा से बनाओ। हाँ जी बताए, ये एक यूट्यूबर आए हैं, ठीक है, ये मेरे चैनल पे। आप भी ऐसे आए हो? आप भी ऐसे आए हो? आप भी ऐसे आए हो? क्या किया वो बताना? मुझे सुशांत का भाई पता ही नहीं है। यहाँ तो मेरे चैनल पे वीडियो आई हो, मेरे चैनल। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ क्या किया। आपको सुशांत के बारे में पता है? अब ये भी इंडियन कौन? आपको सुशांत के बारे में पता है उसने क्या किया? रुको रुको, आपने भाई, मैं भी पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता। आपको पता है सुशांत ने क्या किया? ये है कौन पता है आपको?
भैया आपको पता है सुशांत ने क्या किया? आपको पता है सुशांत ने? सुशांत और भैया सारे मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, तुम अकेले मुसलमान नहीं हो। कंट्रोल योर लैंग्वेज, बताओ ना लोगों को क्या किया है। हम भी बोलेंगे। गुस्ताखी हुई आप लोग, तुम बताओ तो सही सुशांत है कौन? मैं ट्विटर यूजर ही नहीं हूँ। आपने सुशांत पे वीडियो बनाई है, स्टूपिड किस्म के लोग हैं, अपनी तैयारी करके नहीं आते। ये सारे पाकिस्तान हमें पता ही नहीं सुशांत है कौन। रुको जरा, सबर करो। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है राम जी, लेकिन मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। राम सीता, अब जैसे मैं अगर यहां पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं इजाजत से, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जी जो थे उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी, 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात, एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना। तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले, क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसलिए, आप बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मैन विल बी मैन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए चार शादियां करें, एंजॉय करें आप, समझ रहे हैं आप, तो इसलिए इतनी तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को जब ये लालच मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर दे, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है भाई ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना अभी, तो आपको अगर उससे परेशानी नहीं है आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात नहीं करी, मैंने एक फैक्ट स्टेट करा है जो अगर आप जाके पढ़े, जैसे मैंने बताया 12-14-15 माशाल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह शादियां हुई हैं। और अगर आप आज की डेट में बोल रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने बड़े कोई आदमी नहीं है, आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए अच्छा हुआ है। कॉमेडी आपके लिए नहीं थी, ये आपके लिए भगवान ने अच्छा ही कर दिया। राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको कि बेटा ये आपके लिए नहीं था, आपको बचा लिया, आप कुछ और करें। आ गया, आपने सुशांत पे वीडियो बनाई है, आपने सुशांत पे वीडियो, भैया तू बता सुशांत है कौन? मैं ट्विटर को, तुम बताओ, तुम लोगों को बताओ, आ जाते हो, आपने सुशांत पे वीडियो बनाई है, व्यूअरशिप लेने के गेम्स खेल रहे हैं, तुम आवाम को बताओ सुशांत कौन है? भैया तू पढ़ा लिखा है ना, सुशांत कौन है? इसको पता है, उसको भी नहीं पता, सुशांत कौन है? आपको पता अंकल सुशांत कौन है? अंकल आप भैया आपको पता है सुशांत कौन है? आपको पता है सुशांत कौन है? बस आपको पता है क्योंकि जैसे मेरे टॉपिक का मुझे पता होता है ना, हाँ तो भाई बोलो, मुझे पता है सुशांत को मैसेज देने लगे हमारे महान यूट्यूबर, बताओ सुशांत। मुझे आप ये बताए कि एक इंडिया का जर्नलिस्ट है जो एक अच्छा चैनल चला रहा है जब क्रिकेट मैचेस होते हैं, आप ये वो लोग हैं माशाल्लाह, इनको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, इनके लाखों व्यूज आते हैं माशाल्लाह, यही जलन है। आपको क्या लगता है कि अगर ये इंडिया का कंटेंट करते हैं वहाँ पे इनकी वीडियो देखी जाती है? तुम्हारा वीडियो अपने चैनल पे चला रही हूँ, सुशांत ने क्या गुस्ताखी की है मेरे चैनल पे? चले, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, सांस कम रही हूँ मेरी पूरी, भाई ये बंदे के एथिक्स देखो, सुशांत पे वीडियो बनाई सुशांत, और भाई तू पहले इंट्रो तो दे, सुशांत ने किया क्या? इंट्रो दो मेरे चैनल पे, नायला पाकिस्तानी पे सुशांत के खिलाफ आवाज उठाने लगा, इंटरव्यू दे चुका हूँ, छह इंटरव्यू, मैं तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी कर रही हूँ, मुझे पब्लिसिटी चाहिए, उसे ये ले मेरे फेस पे, आप भाई तो करते, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, इशू क्या है नाउ भाई आपको भी नहीं पता है, एक मिनट, फैसला आप लोगों ने करना है, ये इनको इंडिया में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है, मेरी पहले पूरी बात हो ले, क्यों तुम सुशांत पे आना, भाई सुशांत मैं उनको तो बता लूं, नहीं नहीं मैं उनको खुद ही बता लूं, जब तुम बोलोगे ना सबको पता चलेगा, हाँ मेरे पास है वो दिखाए, हाँ इधर उधर की बातें करी जा रहे हैं, सुशांत ने क्या किया? इंटरनेट चल रहा है मेरा, इंटरनेट नहीं ठीक, किसी का इंटरनेट चल रहा है, सुशांत का बताओ ना क्या किया उसने, दिखाओ दिखाओ, अभी भी आप कहेंगे आपने इस बंदे को नहीं देखा, भाई मैंने नहीं देखा, मैं इस बंदे को नहीं जानती, मेरे वीडियो पे कभी नहीं आया,
एक मिनट, आप मुझे सिंपल, मैंने बहस नहीं करनी, आप अपना मैसेज दे दो ना भैया, हम तो मैसेज पहुंचाने वाले हैं। आप मुझे इतना बता दे, अगर किसी ने आपसे सलम की शान में गुस्ताखी की, भाई कंडेम्ड करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मुसलमान है, मुसलमान है, आपका वीडियो बनना, आप सिर्फ इतना कह दे हम उसके खिलाफ जो है मजम्मत करते हैं। भाई मुझे केस का ही नहीं पता ना, उसने क्या बोला है, किसको बोला है, मेरी पूरी बात, उसने ये कहा है कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक जो है एक शादी की, 50 साल के बाद उन्होंने 12-13 की, नाउज़ुबिल्लाह मजे तो यहाँ आने से स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। बताएं इसके बाद क्या रहता है भाई, मेरी बात सुने, अब इसका जवाब मेरे चैनल पे सुन ले, आप मुझे ये भी बताएं, इनको इंडिया में देखा जाता है, सबसे पहले आवाज उठाना इनका बनता था, मैं जो पता भैया आपको पता है सुशांत कौन है, मुझे भी नहीं पता, मुझे अब देखो जवाब सुन लो, अब जवाब सुन लो, सुशांत के लिए मेरा जवाब ये है, जवाब ये है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे उन्होंने कहा कि ये ट्विटर पे वीडियो चली है, क्योंकि हमारे जियो पे भी नहीं चली, सोशल मीडिया मेरे पे नहीं चली, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अगर आपने कंडेम्ड करना है, रुके रुके आपकी तो मैं बाद में बात लूंगी, आप लोगों को अवेयर करें, लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है, आप बहन है मेरी, आप पे हल्ला बोलना मेरा मकसद नहीं, आप बदतमीजी करके आ रहे हो, बदतमीजी कोई भी, ये कितनी बदतमीजी की है इसने, मेरी बात सुन ले, कितनी बदतमीजी, मेरी बात सुन ले, ऊपर से ना पड़े, ऊपर मैं अगर भैया मैं ईरान की, मेरी बात तो आप सॉरी करें पहले, आप अपने से वैसे भी सॉरी करने वाला हूँ, देखें एक मिनट यार, एक मिनट, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, अगर आपको लगता है आपकी दिल आजारी, मैं माफी मांग लेता हूँ कैमरे में, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से जितने और भी इंडियन कंटेंट करते हैं, सारे लोग इस चीज के बारे में मुसलमान होना, देखो इसके सेंटीमेंट हर्ट हुए, मैं भी मुसलमान, मुझे जब पता नहीं सुशांत कौन है, इसने कहा ये गुस्ताखी की, मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, कि एक दफा पढ़ ले, एक दफा पढ़ ले फिर आप बोले, लेकिन आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो अपने कंटेंट के लिए, तो ये गलत है ना मेरी बहन, ये गलत है ना, ये इसका बिहेवियर गलत है। अब मुझे सिर्फ आपने इतना बताना है, मैंने निकलना है, इतना बताना है कि पहले आपका राइट बनता था आवाज उठाना, ये हमारा, दुनिया में 100 खबरें आई हैं, आज जो मैं खबर लेके आई हूँ शायद तुम्हें भी ना पता, तुम इतना दुनिया सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, सियासत से लेके मजहबी तक, तुमने ये बताओ पाकिस्तान के अंदर जो 4 लाख एक्स मुस्लिम बने हैं, तुमने उस पर प्रोग्राम किया है, मैं करता ही नहीं, मैं 4 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं, तुमने प्रोग्राम किया है, मुझे इस पे बैन, अब फील्ड ही नहीं है, अब फील्ड ही नहीं है, अब फील्ड ही नहीं है, एक्स मुस्लिम पे तो बात कर लो, एक्स मुस्लिम पे तो बात कर लो, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान है ठीक है, अब नबी का कलमा पढ़ते हैं, देखें नाद खान है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है ना, देखें वो आपका नसीब है ठीक है, आपका मुकद्दर अच्छा है मुझे पता लग रहा है ठीक है, ये हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन आपने येलो जर्नलिज्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, येलो जर्नलिज्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, ये येलो जर्नलिज्म है, किसी के मुंह में अगर हम रोड शो करते हैं, इस भाई को पहले बुलाएंगे, भाई मेरा ये शो है आप बाइट दोगे, वो कहेगा बहन है मेरी समझ में नहीं आ रहा, ओके भाई ठीक है, ये बताओ ये बताओ भाई तू थोड़ा तमीज सीख ले, तू तमीज सीख ले, तू तमीज सीख ले, तमाम यूट्यूबर का नाटक है, ये ऐसे ही आएंगे हम पे बिस्ती करवा के जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, 1947 में जिन्ना ने जो किया बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, हिंदुस्तान में जितना भी कचरा था, जितना भी कबाड़ा था, वो अपने साथ 1947 में ले गया, और एक पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान यानी सफाई वाली जगह, लेकिन इसको बना दिया गंदिस्तान, जालिस्तान, आतंकिस्तान, सीरियस मुद्दों पे तो अपन जाएंगे नहीं, लेकिन कॉमेडी करने में पाकिस्तानी नंबर 1 हो चुके हैं, इनको रोटी मिल नहीं रही है, इनके दिमाग से बौखला चुके हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और हमको क्या चाहिए भाई, यही तो चाहिए मनोरंजन, शुद्ध मनोरंजन, और पूरी लड़ाई देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है, पहल दीजिए इन पाकिस्तानियों को, धमाधम पहल दीजिए, पहलम पहल होती रहनी चाहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।